with an experience of approximately 12 years of building your dream homes with an 10 delivered project and 2 ongoing project. Hey everyone, welcome back to our channel Trust City Property Guru. I'm your host Tarannum and welcome to Nirvana Heights. जैसे कि मैंने आज के ग्रुप के एक्सपीरियंस के बारे में आपको बताया, तो उसमें मैंने बात की थी 10 डिलीवर्ड प्रोजेक्ट एंड 2 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट की, जिसमें से आपके 2 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है, एक तो जिसका टूर आज मैं आपको करवाने वाली हूँ बाय द नेम निर्वाणा हाइट्स, जो आपका कंप्लीट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, एंड सेकेंड वन है आपका निर्वाणा स्क्वेयर वन विच इज़ अ कम्प्लीट कमर्शियल प्रोजेक्ट एंड एग्जैक्टली आपके चंडीगढ़ रोपड़ हाईवे पर लोकेटेड है। कम्प्लीट प्रोजेक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन की बात करूंगी तो जहां से आपका खरड़ हाईवे शुरू हो जाता है वहीं पे आज का हमारा प्रोजेक्ट लोकेटेड रहेगा। एंड बात करेंगे एमिनिटीज़ की, तो प्रोजेक्ट के अंदर फर्स्टली आपको स्काई वॉक प्रोवाइड किया जाएगा। देन यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट के अंदर दो दो क्लब हाउस मिल जाएंगे, जिसमें से एक का साइज़ रहेगा अप्रॉक्सीमेटली 500 स्क्वेयर यार्ड एंड सेकेंड वन का रहेगा अप्रॉक्सीमेटली 1000 स्क्वेयर यार्ड, जिसमें आपको डिफरेंट एमिनिटीज़ मिल जाएंगी लाइक योर जिमनाजियम, योर बैंक्वेट हॉल्स, आपके लाइब्रेरी रूम्स, आपके डे केयर फैसिलिटीज, लाइक बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। एंड आपका रूफ टॉप पर रहने वाला है ये ब्यूटीफुल सा स्विमिंग पूल, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर एरिया है, बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेटेड है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सेंटर में आपका स्विमिंग पूल आ जाएगा, ये एरिया देखिए कितना ब्यूटीफुली डेकोरेटेड है। इस साइड आपके सारे वॉशरूम्स आ जाएंगे इन केस आप स्विमिंग वगैरह करते हैं तो आप चेंजिंग वगैरह इजीली कर सकते हैं। एंड इस साइड आ जाएगा आपके लिए पास एक रूम जिसको आप एज अ फूड कोर्ट यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके बाद अगर मैं बात करूँगी तो आपको प्रोजेक्ट के अंदर और भी बहुत सारी अम्यूनिटीज़ मिल जाएंगी लाइक योर पार्क्स, बहुत सारे थीम गार्डन्स आपको मिल जाएंगे जिसमें आपके डिफरेंट सिटिंग एरियाज रहेंगे एंड और भी बहुत सारे कुछ स्पोर्ट्स एरिना आपके आ जाएंगे जिसमें आपके पास डिफरेंटली पर्टिकुलर हर स्पोर्ट्स के लिए आपके पास स्पेस आ जाएगा। एंड मेरे पीछे यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन साइट देख सकते हैं, फुल स्विंग आपका कंस्ट्रक्शन चल रहा है जहाँ पे स्टार्ट
यहाँ पे आपका 1 BHK का टावर आ जाएगा कंप्लीट, देन उसके बाद आपका 2 BHK का टावर है, देन उसके आगे आपका 3 BHK का आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें अगर इन्वेंट्रीज की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 3 चीज़ें मिल रही हैं गाइस, मतलब तीनों ऑप्शंस मिल जाएंगी एक ही प्रोजेक्ट में। 1 BHK भी चूज कर सकते हो, 2 BHK भी ले सकते हो, 3 BHK भी ले सकते हो, एंड इनके अंदर भी आपको डिफरेंट इन्वेंट्रीज मिल जाएंगी। सो एमिनिटीज़ में एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, वो है ये ब्यूटीफुल सा टेम्पल, जैसे आप मेरे पीछे यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी आपको फैसिलिटी प्रोजेक्ट के अंदर ही मिल जाती है। अगर आप भी स्पिरिचुअल काइंड ऑफ पर्सन हैं तो आपको टेम्पल जो है वो प्रोजेक्ट के अंदर ही मिल जाएगा, बाहर आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो फाइनली अब हम चलेंगे टूवर्ड्स आर सैम्पल एंड मैं आपको बताऊँगी कम्प्लीट डिटेल्स हमारी आज के प्रोजेक्ट की इन्वेंट्रीज के बारे में, कि आपको कौन कौन सी चॉइसेस मिलने वाली हैं एंड उसमें आपके क्या क्या साइजेस रहेंगे। आइए, सो गाइज यहाँ है आज का हमारा सैंपल अपार्टमेंट ऑफ 3 BHK, बट इसमें आपको अंदर लेके जाने से पहले मैं आपको आज के हमारे प्रोजेक्ट की कंप्लीट इन्वेंट्रीज बता देती हूँ। तो यहाँ पे आपको टोटल 4 चॉइसेस मिल जाएंगी। फर्स्ट इज योर 1 BHK विच कम्स इन द साइज ऑफ 690 square feet, जो आपका रहेगा S+9 कंसेप्ट के साथ। सेकेंड आ जाएगा आपका 2 BHK प्लस स्टोर अपार्टमेंट इन द साइज ऑफ 1370 square feet, जो आ जाएगा आपका S+14 कंसेप्ट के साथ, इसमें आपका एक ही साइज रहेगा। एंड थर्ड वन इज योर 3 BHK, जो आपको 3 कैटेगरीज में मिल जाता है। फर्स्ट इज योर 1600 square feet, सेकेंड वन आ जाएगा आपका 1620 square feet, एंड थर्ड आपका रहेगा 1837 square feet, एंड ये आपका जो कंप्लीट टावर रहेगा ये आएगा आपका S+6 एंड S+7 कंसेप्ट के साथ। एंड एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपका जो स्टिल्ट से ऊपर वाला फ्लोर रहता है, आपका फर्स्ट फ्लोर, उसमें आपको फ्लैट के साथ साथ में पोडियम गार्डन भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये थी सारी डिफरेंट इन्वेंट्रीज। इसमें एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी, इसमें आपके पास स्काई विला की भी ऑप्शन रहेगी, अगर आप वो भी सर्च कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। एंड एक और चीज़ है जो प्रोजेक्ट की मुझे बहुत अच्छी लगी है, कि हर टावर के आपके जो रूफ टॉप रहेंगे वो प्रोजेक्ट की तरफ से ही आपके लिए ब्यूटीफुली डेकोरेटेड रहेंगे, जिसमें आपके गजीबोज बनेंगे, आपके ग्रीन स्पेसेस बनेंगे, पोडियम पार्क्स आपके लिए बनाए जाएंगे, जो आपके कॉमन एरियाज रहेंगे, किसी के पास उसके राइट्स नहीं रहेंगे, कोई भी वहाँ पे बैठ सकता है, कोई भी उसको इंजॉय कर सकता है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लगी है पर्सनली। तो आइए चलते हैं अब हमारे सैंपल अपार्टमेंट में, जो बना हुआ है 1837 square feet में। आइए, सो जैसे ही आप अपार्टमेंट के अंदर एंटर करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका ब्यूटीफुल सा वुडन डोर। आप देख सकते हैं हाइट भी काफ़ी अच्छी है डोर की। एंड देन एज यू मूव फॉरवर्ड, हियर कम्स योर स्पेशियस ड्राइंग एरिया, एंड इसी के जॉइंट में आ जाएगा आपका डाइनिंग एरिया विच कम्स इन द साइज ऑफ 19.7 × 11.6। आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस एरिया है, चाहे आप ड्राइंग एरिया की बात करेंगे, चाहे आप डाइनिंग एरिया की बात करेंगे, स्पेसिफिक आपको स्पेसेस मिल जाएंगे कि आप अपना डाइनिंग एरिया जो है वो बिल्कुल सेपरेटली सेट कर पाएँ, एंड आपका जो ड्राइंग एरिया है उसको बिल्कुल सेपरेटली यहाँ पे सेट कर पाएँ। पीछे आपका यहाँ पे बालकनी के लिए कंप्लीट एक्सेस आ जाएगा, जो आपकी काफ़ी स्पेशियस बालकनी है। एंड अगर इसके साइज़ की मैं अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा आपका सेटिंग अरेंज है। यहाँ पे आपका टेबल आ जाएगा, सामने वाली जो वॉल आएगी उस पर आप अपना LED पैनल यहाँ पे आप लगा सकते हैं। ऊपर अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा झूमर यहाँ पे इन्होंने ऐड करके रखा है, आप भी अपने अपार्टमेंट में कुछ इस तरीके का कर सकते हैं। एंड कमिंग टू दिस साइड, आपके डाइनिंग एरिया की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6-seater डाइनिंग टेबल यहाँ पे इंस्टॉल करके रखा है, जो कि इजीली आपका सेट हो गया है, बिल्कुल भी कंजस्टेड नहीं लग रहा है। अगर आप इसमें एक चेयर और ऐड करना चाहें, आप वहाँ पे एक और चेयर ऐड कर सकते हैं, वो भी आपका बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा। बात करेंगे पूरे ही घर के डेकोरेशन की, तो आप जैसे कि जानते ही हैं आपका सैंपल अपार्टमेंट है, इसमें आपका पूरा डेकोरेट किया जाता है, घर को पूरा फर्नीचर ऐड किया जाता है, ताकि आप आइडिया लगा सकें कि कौन सी चीज़ आप कहाँ सेट करेंगे तो आपके पास कितना स्पेस बचेगा, कितना ओपन आपका एरिया लगने वाला है, कितनी चीज़ें आप कहाँ पर सेट कर सकते हैं, तो ये सारे आइडियाज़ आपको लग जाते हैं। तो आई एम श्योर कि यहाँ पर देख के भी आपने सारे आइडियाज़ लगा लिए होंगे कि आप अपना डाइनिंग एरिया कैसे सेट करेंगे, अपना ड्राइंग एरिया कैसे सेट करेंगे, आपका फॉल सीलिंग किस तरीके का रहेगा, एंड आपकी वॉल्स पे आप किस तरीके का डेकोरेशन चाहते हैं। यहां से भी आपका बालकनी का एक्सेस आ जाएगा, तो आइए चलते हैं, पहले आपको बालकनी दिखा देती हूँ। ये आ जाएगी आपकी बालकनी, काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, आप देख सकते हैं रेलिंग की हाइट भी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। तो ये बालकनी आपकी रनिंग बालकनी है, आपके ड्राइंग एरिया, डाइनिंग एरिया एंड आपके थर्ड बेडरूम के साथ भी कनेक्टेड रहेगी, जैसे कि आप इस साइड देख सकते हैं।
स्पेस आप यहाँ पे भी देख लीजिए, काफी सारा स्पेस है कि आप अपना सिटिंग अरेंजमेंट अगर करना चाहते हैं, झूला वगैरह लगाना चाहते हैं अपनी बैल्कनी में, सिटिंग के लिए स्पेसेस क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप इजीली कर सकते हैं। इतना ज्यादा स्पेस आपको बैल्कनी में मिल जाएगा। सो गाइस, ये थी हमारी बैल्कनी जो आपकी रनिंग बैल्कनी है। अब इसके बाद हम चलते हैं किचन में। सो दिस इज योर हार्ट ऑफ द हाउस, योर किचन। आप देखिए कितना ब्यूटीफुली इन्होंने डेकोरेट कर रखा है, कंप्लीट मॉडुलर किचन। पैरेलल में आपकी दोनों स्लैब्स आ जाएंगी, इस साइड रहेगा आपका वेट एरिया एंड इस साइड आ जाएगा आपका ड्राई सेक्शन जहाँ पे आप अपना हॉब चिमनी वगैरह प्लेस कर सकते हैं। इस साइड आ जाएगा आपका ड्रिल सिंक जहाँ पे आप ये फॉसेट भी देख सकते हैं, आपके टैप्स वगैरह प्रोवाइडेड हैं। जो आपके सिंक्स आ जाएंगी वो आपकी साउंड प्रूफ रहेंगी। एंड कैबिनेट्स की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं वाइट कलर के कैबिनेट्स रहेंगे, जिनकी अगर मैं अपर की बात करूंगी तो काफी अच्छा स्पेस है कैबिनेट्स के अंदर। लोअर कैबिनेट्स की बात करेंगे तो ये आ जाएंगे आपके सॉफ्ट क्लोजर के साथ, एज यू कैन सी। तो काफी ब्यूटीफुल किचन बना रखा है। यहाँ पे स्टार्टिंग में आ जाएगा स्पेस आपके रेफ्रिजरेटर के लिए। यहाँ पे आपका फ्रिज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना बड़ा फ्रिज आपका यहाँ पे आ जाएगा। एंड आपकी जो ये किचन है इसके साथ आपका यूटिलिटी एरिया भी कनेक्टेड रहेगा, जो बैल्कनी आपकी बाकी दो रूम्स के साथ भी कनेक्टेड है, तो वो मैं आपको वहाँ से दिखाऊंगी। एंड यहाँ पे ना आपको डुअल किचन कंसेप्ट मिल रहा है, अंदर आपका पूरा ये एरिया है, बाहर भी आपको छोटा सा पोर्शन मिल रहा है जहाँ पे आप अपना किचन का एक्टिविटी कर सकते हैं, वो मैं आपको वहाँ से दिखाऊंगी। आइए, सो आफ्टर आर किचन नाउ वी आर ऑल डन विद आर डाइनिंग ड्राइंग आर किचन, सारी चीज़ें दिखा चुकी हूँ। अब चलेंगे रूम्स की तरफ। तो ये आ जाएगा हमारा फर्स्ट बेडरूम इन द साइज ऑफ 14x11 स्क्वायर फीट। आइए गाइज, ये जो घर है आपका ये सेमी फर्निश रहने वाला है, जिसमें अगर मैं रूम्स की बात करूँ तो आपकी ये जो कवर्स हैं ये आपको एज इट इज प्रोवाइड किए जाएंगे, एंड आपके जो वॉशरूम हैं वो आपको कंप्लीट मिल जाएंगे। एंड वॉल्स की बात करूंगी तो वो आपकी बिल्कुल प्लेन रहने वाली हैं। यहाँ पे आ जाएगी आपकी एसी की डक्टिंग। पूरे रूम की साइज मैं आपको बता चुकी हूँ, फर्नीचर से भी आप साइज का आइडिया लगा सकते हैं। जैसे आपका बेड यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, उस साइड आपका साइड टेबल्स आ जाएगा, आपके कवर्स भी प्रॉपरली सेटअप्ड हैं। सामने आ जाएगा आपका LED पैनल के लिए स्पेस, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद भी मेरे पास रूम में मूव करने के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस बच रहा है कि यहाँ से आपकी बालकनी का एक्सेस है, तो मैं इस तरफ भी इजीली मूव कर पा रही हूँ। यहाँ पे आपका वॉशरूम है तो इस साइड भी मैं इजीली मूव कर सकती हूँ। आइए, सो वॉशरूम आपका कंप्लीट एज इट इज़ रहेगा। एज आई सेड बिफोर, कॉलर की सारी फिटिंग्स आ जाएंगी। स्टार्टिंग में आपका बेसिन आप देख सकते हैं, नीचे आपका वैनिटी है, ऊपर मिरर आ जाएगा, देन यहाँ पे सीट है आपका, टैप्स प्रोवाइडेड है, पार्टीशन करना चाहें वो भी कर सकते हैं, अपने बाथिंग एरिया को आप अलग भी कर सकते हैं। टाइल्स आप देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल एंड क्लासी टाइल्स यहाँ पे यूज़ करी गई हैं। ग्रे कलर है, नीचे आपका सारा एंटीस्क्रिप्ट आ जाएगा, ऊपर फुल वॉल लेंथ पे आप यहाँ पे टाइलिंग देख सकते हैं। एंड आफ्टर वॉशरूम, जैसे मैंने कबर्ड्स की बात की थी, तो ये जो आपकी कबर्ड्स रहेंगे ये विथ स्लाइडिंग डोर आ जाएंगे। यहाँ से आप स्पेस का आइडिया लगा लीजिए, काफ़ी अच्छा लेआउट है। नीचे भी आपको स्पेस मिल जाएगा कि अपने फुटवेयर्स वगैरह आप यहाँ पे इजीली रख सकें। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं आपको डिफरेंट पोर्शंस मिल जाएंगे, अगर थोड़ी डेकोरेटिव आइटम्स अपने रूम में रखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। लाइटिंग आप देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पे ऐड करी गई है। सो ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम, अब चलेंगे हमारे सेकेंड बेडरूम में। आइए, सो यहाँ है हमारा सेकेंड बेडरूम, अगेन इन द साइज ऑफ 14x11। दोनों रूम का जो साइज आ जाएगा वो सेम रहेगा। गाइस, एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी इसमें कि आपका जो 2BHK है उसमें भी आपके जो रूम साइजेस रहेंगे वो सेम आ जाएंगे, बस आपका एक रूम एंड एक वॉशरूम जो है वो आपका एक्सक्लूड हो जाएगा अपार्टमेंट में से। आपका ड्राइंग डाइनिंग किचन एंड दोनों रूम्स का साइज जो है वो सेम रहने वाला है, तो आप यहाँ से 2BHK का आइडिया भी लगा सकते हैं। सो अब इस रूम की बात कर लेते हैं। स्टार्टिंग में वहाँ पे आ जाएंगे आपके कबर्ड्स, आपका बेड पूरा यहाँ पे सेटअप्ड है, एंड पीछे का वॉल भी आप देख सकते हैं काफ़ी ब्यूटीफुली डेकोरेटेड है, जिसमें आपका पैनलिंग किया गया है, ग्लास वर्क आ जाएगा। आप आइडियाज़ भी ले सकते हैं अपनी वॉल को डेकोरेट करने के लिए, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। ऊपर अगर देखेंगे बहुत ही ब्यूटीफुल सा फॉल्सिलिंग यहाँ पे इन्होंने क्रिएट करके रखा है। सेंटर में आपका लाइट आ जाएगा, बहुत यूनिक सा लाइट है, तो आप कुछ ऐसे ऑप्शंस भी ले सकते हैं, आइडियाज़ ले सकते हैं। एंड देन यहाँ पे आ जाएगा आपका बैल्कनी का एक्सेस, जो मैंने आपको बताया था आपकी कॉमन बैल्कनी है विद योर सेकेंड बेडरूम, आपका फर्स्ट बेडरूम एंड योर किचन।
बट वहाँ जाने से पहले मैं आपको पहले पूरा रूम दिखा देती हूँ, उसके बाद हम बालकनी में चलेंगे। सो कमिंग टू द फ्रंट वॉल, यहाँ पे आ जाएगा आपके एलईडी पैनल के लिए स्पेस, जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हैं। आप चाहेंगे तो एलईडी पैनल भी लगा सकते हैं या फिर सिंपल एलईडी भी इंस्टॉल कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आपका घर है तो ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे हमारे कबर्ड्स, अगेन विद स्लाइडिंग डोर, सेम कंसेप्ट रहने वाला है जैसे कि आपने वहाँ देखे थे। स्लाइडिंग डोर के साथ आपका पूरा स्पेस आ जाएगा, नीचे भी स्पेस है, अपने फुटवेयर्स वगैरह आप नीचे रख सकते हो। एंड देन यहाँ पे आ जाएगा, पहले यहाँ पे मिलेगा आपको एक छोटा सा स्पेस जहाँ पे, क्योंकि सैंपल अपार्टमेंट है तो यहाँ पे इन्होंने काइंड ऑफ ड्रेसिंग एरिया क्रिएट कर दिया है। तो यहाँ पे आपको ये पूरा प्लेन मिलेगा, अगर आप चाहते हो तो आप भी इस पोर्शन को इस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो, बहुत अच्छा आइडिया है। सो ये आ जाएगा वॉशरूम विद ऑल ब्रांडेड फिटिंग्स, कोहलर की फिटिंग्स रहेंगी आपकी सारी की सारी, पूरे ही घर में अगर मैं बात करूँ तो। यहाँ पे भी आपका जो टाइलिंग है वो उस वॉशरूम से थोड़ा अलग आ जाएगा, आप देख सकते हैं फ्लोरिंग आपकी डिफरेंट है, वॉल लेंथ पे आपका डिफरेंट टाइलिंग आ जाएगा। देन स्टार्टिंग में यहाँ पे रहेगा आपका बेसिन विद मिरर, देन आपके वैनिटी सीट, एंड ये आ जाएगा कंप्लीट आपका बाथिंग सेक्शन। तो काफ़ी ब्यूटीफुल वॉशरूम यहाँ पे इन्होंने क्रिएट कर रखा है, एंड स्पेस की बात करेंगे तो वो भी आपका काफ़ी अच्छा है वॉशरूम का। सो ये था हमारा कंप्लीट सेकंड बेडरूम, अब मैं लेके चलती हूँ आपको बालकनी में, आइए। सो ये आ जाएगी आपकी बालकनी, पहले तो मैं आपको ये वाला एरिया दिखा देती हूँ, इधर आइए। ये बालकनी आपका यहाँ तक कंटिन्यू रहता है, मतलब यहाँ पे भी स्पेसेस मिल जाते हैं, तो आप अपना जितना भी सामान होता है कुछ एक्स्ट्रा वो आप यहाँ पे भी प्लेस कर सकते हो। एंड देन ये था आपका सेकंड बेडरूम जहाँ से अभी मैं बाहर आई हूँ, ये आ जाएगा आपका किचन। मैंने आपको बताया था ना एक और सेकंड पोर्शन आपको मिल जाता है, तो ये है वो पोर्शन। यहाँ पे आपको एक ऐसा स्लैब मिल जाएगा जिसको आप मल्टीपर्पजली यूटिलाइज कर सकते हैं, इस तरफ आपका स्पेस मिल जाएगा, तो काफ़ी अच्छा एरिया है, बहुत तरीकों से आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो, ये एक अच्छी चीज़ आपको इस किचन में मिल रही है। देन यहाँ पे आ जाएगा हमारा फर्स्ट बेडरूम जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था, तो उसके साथ भी ये कनेक्टेड रहने वाला है। अब बात करते हैं स्पेस की, आप देखिए कितनी ज़्यादा वाइड बालकनी आपको ये मिल रही है, मतलब चाहे आप अपने झूला लगाएं, सिटिंग के लिए स्पेसेस क्रिएट करें, प्लांटिंग करें, यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल ये बालकनी आपकी लगने वाली है। एंड द प्लस पॉइंट, आपकी जो रेलिंग है ना वो भी काफ़ी अच्छी हाइट के साथ दी गई है, एंड काफ़ी सिक्योर भी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है, मतलब सो ऑल ओवर अगर बात की जाए तो बालकनी का साइज जो है वो बहुत अच्छा है। सो ये था हमारा सेकंड बेडरूम, इसी के साथ अब हम चलते हैं हमारे थर्ड बेडरूम में, बट इसके साथ आपका जो वॉशरूम है वो आपका कॉमन वॉशरूम है, तो पहले वो चेकआउट कर लेते हैं। इसका साइज थोड़ा बड़ा आ जाएगा बाकी वॉशरूम्स के मुकाबले। स्टार्टिंग में आपका बेसिन रहेगा, मिरर, देन योर सीट एंड योर बाथिंग सेक्शन। टाइल्स की अगर मैं बात करूं तो ये आपकी थोड़ी क्लासी टाइल्स आ जाएंगी इसमें, ये जो है आपकी थोड़ी ग्लॉसी लुक के साथ आएंगी। ये जो आपकी वॉल पे है ये आपका थोड़ा सा मैट फिनिश के साथ आ जाएगा। फ्लोरिंग आपकी सारी एंटिस्किट रहने वाली है। पीछे फॉर द लाइट एंड वेंटिलेशन आपका विंडो भी प्रोवाइडेड रहेगा। एंड गाइस हर वॉशरूम में आपका एग्जॉस्ट के लिए एंड गीजर के लिए प्रोविजन मिल जाएगा, अपने तरीके से आप लगा सकते हैं। एंड देन यहाँ रहेगा हमारा रूम विच कम्स इन द साइज ऑफ 10.3x13। सो इसमें भी आपका पूरा फर्नीचर इंस्टॉल है, आप जैसे कि देख सकते हैं सेंटर में आपका बेड है, पीछे आपका पूरा वॉल पे पैनलिंग है, तो आप यहाँ से भी आइडियाज ले सकते हैं। इसके साथ भी आपकी बालकनी कनेक्टेड आ जाएगी, जो मैंने आपको ड्राइंग एंड डाइनिंग से दिखाई थी वही बालकनी आपकी इसके साथ भी कनेक्टेड है। सामने वाली वॉल पे आप देखेंगे यहाँ पे आपका एलईडी पैनल के लिए स्पेस आ जाएगा, जहाँ पे आप अपना एलईडी पैनल लगा सकते हैं। एंड उस साइड रहेंगे आपके कबर्ड्स, तो यहाँ पे जो आपके कबर्ड्स हैं वो थोड़े डिफरेंट आ जाएंगे, डोर्स जैसे कि आप देख सकते हैं डिफरेंट है, लेआउट आपका सेम रहेगा, अंदर भी देख सकते हैं नीचे भी स्पेस है आपके फुटवेयर्स के लिए। एंड यहाँ पे दो कबर्ड्स मिल रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, तो काफी अच्छा लेआउट भी है कबर्ड्स का एंड काफी अच्छा स्पेस भी मिल रहा है। सो गाइस इसी के साथ आज के हमारे 3 BHK अपार्टमेंट का टूर कंप्लीट होता है, जो दिखाया मैंने आपको निर्वाणा हाइट्स में, जो लोकेटेड है आपका चंडीगढ़ रोपड़ हाईवे पे, जहाँ पे आपको डिफरेंट इन्वेंट्रीज मिल जाएंगी, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, स्काई विलास। एमिनिटीज भी आपको काफी अच्छी मिल रही है, दो दो क्लब हाउस प्रोवाइड किए जाएंगे जिसमें आपको बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी, ग्रीन स्पेसेस प्रोजेक्ट में बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। सो अगर आपको
इनके प्राइजेस भी जानने हैं आप हमें कॉल कर सकते हैं, या फिर आपकी कोई क्वेरी भी है उसके लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पे आपको नंबर शो हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, ऐसे ही सुंदर सुंदर घर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आए तो आप उसको मिस ना करें, आपको झट से नोटिफिकेशन आ जाए एंड आपको हमारी वीडियो इजिली मिल जाए, ज्यादा ढूंढने की जरूरत ना पड़े। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।